ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने बात की थी छह राशियों की, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज रोजमर्रा के डेली रूटीन के जो काम हैं वो पूरे होने में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। आज आपको अपने काम से ही सरोकार रखना है, खुद को स्वयं को प्रसन्न बनाए रखने की भी कोशिश आज आपको करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए माता पिता की पसंद की कुछ मिठाई ले जाइएगा, माता पिता को खिलाइएगा। अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो तात्कालिक लाभ के बजाय इस बात पर ध्यान दें कि कौन सा विकल्प या कौन सा मार्ग आपके लिए भविष्य में ज़्यादा कारगर हो सकता है। आज कितना फायदा हो रहा है वो नहीं, आगे क्या होने वाला है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन रोजमर्रा के कामकाज पूरे करवाने वाला रहेगा। ध्यान रखें किसी भी बात पर आज आपको अड़ियल नहीं बनना है और न ही मन मर्जी का फैसला करना है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में अमृत के फलों का दान कीजिएगा। पंडित जी, आगे की राशि की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास मेल आया था रजत जी का चित्तौड़गढ़ से। उनकी जन्म की तारीख है 7/12/1996 और जन्म का समय है सुबह का 11:20 का। पंडित जी जानना चाहते हैं कि इनका आने वाला भविष्य किस तरह का होगा और ये क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो उस फील्ड में इनका करियर किस तरह का है, ये बन सकते हैं क्रिकेटर और या फिर नहीं कुछ और करना चाहिए। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली वैसे अच्छी है, गुरु की महादशा आपको चल रही है और यदि मैनेजमेंट के सेक्टर में आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर अगर विदेशों में जाके सेटलमेंट आपका होता है, बाहर जाने के आपके योग बनते हैं। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में मीडिया लाइन आपको बहुत सूट करती है, फिल्म लाइन आपको बहुत सूट करती है, क्रिकेटर की जगह आप हीरो अवश्य बन सकते हैं, इसमें भी कोई दोराय नहीं। बाकी आपकी जन्म कुंडली में जो मुख्य समस्या है वो समस्या है भाग्यस्थान में राहु बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपका लक फैक्टर उतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना आप डिजर्व करते हैं। तो कोशिश करिए, एक तो गुरु को अप करने के लिए एक पुखराज रत्न पहन के रखिए और रविवार के दिन भैरव महाराज के दर्शन करें, दाल की कचौरी दही और इमरती चढ़ाएं और अगर बाहर जाने का ऑप्शन मिले तो उसको सबसे पहले कैच कर लीजिए। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप दूसरों से मदद की उम्मीद करने की बजाय अपने खुद के कर्मों पर विश्वास रखिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईमानदारी से आज आपकी की गई हर कोशिश आपको शुभ परिणाम देगी। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प पितरों के चित्र के समक्ष अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज योजना बनाने के हिसाब से, फैसले लेने के हिसाब से आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। नौकरी और बिजनेस में आज सब कुछ ठीक रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को हरा पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपनी जो एनर्जी है उस एनर्जी के बेस पे बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस आज आपको करना क्या है, अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं करनी है। यदि आज आप कोशिशों में कमी नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके सोचे हुए कामों में आज आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में नंदी को गुड़ का भोग अवश्य लगाएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, ये तो बात हुई राशियों की, आपसे आज का गुड लक टिप भी जानना चाहेंगे। दोस्तों, आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी तिथि को, आज की जो एकादशी तिथि है उसको पवित्रा एकादशी और पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही और एकादशी का व्रत रखने के मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और पवित्रता पुत्रदा एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उसी के अनुसार यदि कोई निसंतान दंपत्ति, जिसके संतान नहीं है, जो संतान सुख से वंचित है, यदि वो इस एकादशी को पूरे विधि विधान से और श्रद्धा से करता है तो निश्चित तौर पे उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती, वंश वृद्धि होती, संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए संतान सुख की इच्छा रखने वालों को, पुत्र सुख की इच्छा रखने वालों को आज एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महत्व को
एकादशी के महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से, जाने अनजाने में किए जो पाप है पिछले जन्म के, इस जन्म के सभी पापों से उसको मुक्ति मिलती है और इस मृत्यु लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। आइए मैं आपको व्रत विधि भी बता देता हूँ कैसे आज आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है। तो आज स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहनकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर अपने को आपके पूजा स्थान पर बैठ जाइए। पूर्व या उत्तर मुख करके अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा वहाँ पर रख दीजिए। उसके पश्चात में पूजा शुरू करने से पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प लीजिए कि मैं जो एकादशी का आज व्रत करने जा रहा हूँ, जो निसंतान दंपति हैं तो पति पत्नी दोनों को ही ये उपवास करना है। और ध्यान रखिए, उपवास में एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। सब संभव हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। फिर भगवान विष्णु की विधि विधान से, षोडश उपचार विधि से भगवान विष्णु की पूजा करें। और यदि आप पूजन करने में असमर्थ हो तो पूजन किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। तो भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद जो वो चरणामृत है उनका, उसको जो व्रती हैं, व्रत करने वाला अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर उसको छिड़कें और उसको ग्रहण भी करें। उसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि पूजन सामग्री भगवान विष्णु को अर्पण करनी है। फिर उनके समक्ष विष्णु सहस्रनाम का जाप करना है और एकादशी पुत्रता एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी है। और कोशिश कीजिए कि एकादशी की रात को भगवान विष्णु की जो आपने मूर्ति, तस्वीर जो आपने रखी है, उसके समीप ही आज आपको सोना है। दूसरे दिन यानी कल आपको वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करवाकर और कुछ दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो इस प्रकार पवित्रता एकादशी, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से निश्चित तौर पे हमारे वो दर्शक जो कि संतान सुख से वंचित है, उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।